हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, मेरे यार, मेरे एल्डर्स, मेरे रिलेटिव्स, क्लोज टू माय हार्ट, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 7th डे ऑफ लॉकडाउन। तो सभी इसको फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग हैं जो इसको फॉलो नहीं कर रहे, जैसा भी हमने देखा कि एक बहुत बड़ी समस्या आई है कि हमारे जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो दिल्ली NCR में मजदूर हैं, किसान हैं, जो काम कर रहे थे और ये छोड़ के जा रहे हैं, और अभी आनंद विहार में आपने देखा होगा 10,000 से ज़्यादा जो लोग इकट्ठा हो गए, तो इससे वायरस का फैलने का डर है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये अभी भी चल रहा है, इसके लिए यूपी गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट ने इनके लिए जो है रहने का व्यवस्था किया है, खाने का इंतजाम किया है। तो मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप इनकी हेल्प करो, अपने लेवल पे जो कर सकते हो, खाना दो, पैसे दो पूरी तरह से, क्योंकि ये हमारे जो हैं सितारे हैं, ये काम करते हैं तभी हमें अन्न मिलता है, और जो हम फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, हमारे लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बेसिकली ये क्या है कि ये 6 महीने किसानी करते हैं और उसके बाद 6 महीने मजदूरी करते हैं। तो ये जो अभी टाइम आप देख रहे हैं, तो ये अपने गांव में भी जाना चाहते हैं, उनके परिवार तो बुला ही रहे हैं, लेकिन साथ में ये किसान खेती भी करना है, इनको बढ़ाई है, कटाई है, सब इनको करना होता है। तो ये है, तो अभी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जैसे रतन टाटा ने अभी 500 करोड़ दिया, मुकेश अंबानी ने 1,000 करोड़, और इसके अलावा आपने देखा होगा अक्षय कुमार 25 CR। तो सभी अपने लेवल पे हेल्प कर रहे हैं, तो मैं भी चाहूँगा कि आप हेल्प करो इनकी। तो मेरा जो सॉन्ग है जो मैंने अभी बनाया है वो इसी पे है कि रुक जाओ ना जाओ, जहाँ हो रह जाओ। लेट्स सी। गांव की गलियां तुमको पुकारे, खेतों की कलियां तुमको सताए, गांव की गलियां तुमको पुकारे, खेतों की कलियां तुमको सताए, फिर भी रुकना होगा तुमको, यही है देश की दुआए। रुक जाओ ना जाओ, जहां हो जाओ। तो दोस्तों, ये मेरा सॉन्ग था, इस पे मैंने, इसमें जो मैंने बात कही है वो ये उनको सितारे कहा है, क्योंकि ये जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं, ठीक है। तो ये हमारे देश के सितारे हैं, अगर ये ना रहें तो हमारा काम नहीं चलेगा। फिर मैंने आपको इसमें गाने में मैंने बोला है कि गाँव की गलियाँ, दोस्तों गाँव की गलियाँ का मतलब ये है कि गाँव में जो गलियाँ होती हैं वहाँ पे आप देखोगे कि खुशियाँ रहती हैं, लोग मिलते जुलते रहते हैं, बच्चे खेलते हैं, परिवार रहता है, तो इनके परिवार इनको बुला रहे हैं। दूसरा, तीसरा वर्ड मैंने जो यूज़ किया है, गांव की कलिया, दोस्तों ये जो जा रहे हैं, जिस समय में इनका फसल है, काटना है, बुढ़ाई है, तो जो गांव की में खेती होती है ना, तो खेत खेत के लिए जा रहे हैं अपने अपने फसल को काटने के लिए। तीसरा मैंने ये बोला है कि